जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को जम्मू पहुंचे, यहां उन्होंने पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 इतिहास बन चुका है, अब ये लौट कर नहीं आएगा। ये बात उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर हमला बोलते हुए कही। संकल्प पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज़ादी के समय से हमारी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर बहुत अहम रहा है। आज़ादी के समय से ही हमने इसे भारत के साथ जोड़ने के लिए बहुत प्रयास किए। पहले भारतीय जनसंघ, फिर भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि 2014 तक जम्मू कश्मीर पर हमेशा अलगाववाद और आतंकवाद की परछाई रही। 2014 से लेकर 2024 तक जम्मू कश्मीर का जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह समय स्वर्णिम होगा। इन 10 सालों में पर्यटन पर फोकस रहा है। पहले अनुच्छेद 370 की परछाई में अलगाववादियों की मांगों के आगे सरकारें नतमस्तक होती थी। बड़ी दुख की बात है कि एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा मैंने पढ़ा है, इसे कांग्रेस ने मूक समर्थन दिया है। मैं बता देना चाहता हूं कि अनुच्छेद 370 कभी वापस नहीं आ सकता। इसकी वजह से ही अलगाववाद पनपता था जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी जरूरत शिक्षा थी। 10 साल में 59 कॉलेजों को मान्यता मिली है। संकल्प पत्र जारी करने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार में जम्मू कश्मीर में शांति और विकास का नया दौर शुरू हो रहा है। जम्मू कश्मीर अब आतंकवाद के केंद्र से पर्यटन के केंद्र में तब्दील हो गया है। मैं अपने 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू के लिए रवाना हो रहा हूँ, वहाँ मैं पार्टी के संकल्प पत्र का विमोचन करूँगा। कल कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करूँगा। पार्टी के संकल्प पत्र जारी होने से पहले बीजेपी नेता निर्मल सिंह ने कहा कि हमारे लिए खुशी की बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आ रहे हैं। ये संकल्प पत्र जम्मू कश्मीर के पुनर्निर्माण के लिए है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में अलगाववाद की बात हो गई है। कांग्रेस का घोषणा पत्र भी जारी नहीं हुआ है। हो सकता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर ही काम करे। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की बी टीम की तरह काम करेगी। जम्मू कश्मीर में करीब 1 दशक बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की 90 सीटों पर 13 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 18 सितंबर को मतदान होगा, दूसरे चरण में 25 सितंबर और तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी।